हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स मैं हूं राधा और आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ यू कैन ब्रश अप योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट

fluently and योर in your SSB इंटरव्यू चलिए देखते हैं क्या है ये टिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा खुद को इंग्लिश में इमर्स करके रखना है हाउ यू कैन डू दैट यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज टीवी शोज लिसन टू इंग्लिश न्यूज एंड पॉडकास्ट जितना आप इंग्लिश में बात करना सुनोगे उतना आप एक्सेंट को समझ पाओगे आप ये समझ पाओगे वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है किस तरह एक सेंटेंस में वर्ड्स को यूज किया जाता है कौन से वर्ड्स कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है एंड इट विल ऑल्सो एनहांस योर वोकैबुलरी एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है बिकॉज द गुड वे टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स इज टू स्पीक In English. So engage in daily conversations with friends, family or even yourself. You can do that in front of the mirror. aapko how you are speaking clearly इसपे focus karni hai and you should also pay attention to pronunciation and grammar as well. Next आप अपने vocabulary को expand कर सकते हो और उसके लिए आप जितना ज़्यादा reading करोगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी vocabulary भी uh, improve होगी. So you read books. newspapers magazines in english to expose yourself to a variety of words habit banana hai ki seek words at least 5 to 6 words every day and you also have to use them in your daily conversations along with it there are many online language learning platforms as well like duolingo babel or fluent two uh, by which you can obviously you know uh, learn spoken english you can uh, be give giving you know कॉन्वर्सेशम्स हाईवर एम नॉट प्रमोटिंग दीज प्लेटफॉर्म्स लेकिन इसके जैसे बहुत सारे और भी इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इंटरेक्टिव लेसन्स और एक्सरसाइजेस से इंग्लिश स्पीकिंग को अपना ब्रश अप कर सकते हो दीज प्लेटफॉर्म्स विल प्रोवाइड यू स्ट्रक्चर लेसन एंड ऑपरचुनिटीज टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश इसके साथ साथ आप मॉक इंटरव्यूज का भी प्रैक्टिस कर सकते हो आपको पता है एस इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू uh, होता है तो उसके लिए इंग्लिश में ही आपको बात करनी है फॉर अ वेरी यू नो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट यू कैन कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स एंड वाइल गिविंग द इंटरव्यू हैव टू फोकस मेनली ऑन द इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आप बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो एंड वाई यू आर गिविंग आंसर्स यू हैव टू पे अटेंशन टू योर टोन पेस एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इसके साथ साथ आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हो आपके सिटी या कम्युनिटी में आपको ढूंढना है गूगल सर्च देम यू कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी अदर पीयर ग्रुप और उसके सहायता से आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स या लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो इट विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हु हैव द सेम गोल ऑफ इंप्रूविंग देयर इंग्लिश इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप इंग्लिश uh, में बात करोगे प्लीज रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है थ्रू विच यू कैन मेक योर इंप्रूवमेंट क्वाइट फास्ट सो जब भी आप इंग्लिश में बात करोगे रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन टू द रिकॉर्डिंग क्रिटिकली टेक नोट ऑफ द एरियाज वेर यू आर लैकिंग लाइक प्रोनाउंसिएशन पेसिंग फिलर वर्ड्स इफ यू आर यूजिंग देम आर नॉट एंड देन बाई नोटिंग दोज थिंग्स डाउन एंड देन इंप्रूविंग इट इन योर नेक्स्ट स्पीच यू कैन ब्रश अप योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इसके साथ साथ आप कोई भी Like ज्वाइन कर सकते हो इन कोर्सेस में आपको ये सिखा जाएगा किस तरह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफाइन करनी है लाइक स्पीकिंग क्लियरली अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज तो ये आपके एस एस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इसके साथ साथ आपको पढ़ना जब है तो जोर से पढ़ना यू हैव टू रीड अलाउड इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी सो यू कैन चूज अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट लाइक फ्रॉम न्यूज़पेपर्स टू बुक्स टू लिटरेचर एंड रीड देम अलाउड व्हाइल यू आर रीडिंग पे अटेंशन टू योर इंटोनेशन एंड योर रिदम Lastly, seek feedback from your peers, mentors, or language experts, or your friends who are good in English. And constructive criticism will be very helpful. That is why you have to highlight on areas where your mentors or your, uh, you know, the people are giving you feedback on. And please use your own efforts so that you can enhance your English speaking skills. So, these yeah, tips are very important. Hai. In tips, ko use these, and you will within a month you are able to speak English in a very fluent and confident manner. ऐसे टिप्स ट्रिक्स और अपने प्रेपरेशन टिप्स के लिए फॉर योर अपकमिंग एस आप हमारे एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ये बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन एंटायर मार्केट इसमें हम सारे मटेरियल्स जो है प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद लेक्चर स्टडी मटेरियल्स प्रैक्टिस सेट सिर्फ यही नहीं हम इस कोर्स के थ्रू लाइव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर दिन ताकि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सको और हैंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए फॉर यू अपकमिंग एस एस इंटरव्यू वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिफेंस रिटर्न एग्जाम कोर्सेस सो इफ यू आर टेकिंग एनी एग्जाम यू कैन ऑल्सो आउट दोस कोर्सेस एंड यूज द कोड वॉरियर टेन वाइल आर एनरोलिंग ताकि आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल सके सो आई होप सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू एंड दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी